नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरी तरह ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे कुछ कमाल। ले आइए अपनी इतिहास की पुस्तकें तत्काल, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगर निवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब बात करते हैं इतिहासकार और उनके स्रोतों के बारे में। इतिहासकार किस युग का अध्ययन कैसे करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, उसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजार वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य जिसे हम भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। 14वीं शताब्दी के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि
लिखने में इनका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करने लगे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे हुए में आपके मित्र से लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे परंतु महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं ही समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके दो वर्ष बाद मतलब 1358 में लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबी पड़ी रह गई। अब बात करेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों के बारे में। सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते थे, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियार, इनका इस्तेमाल होता था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रखें कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल कहा जाता है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंडों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थादी समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को
मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा होता था और किसी और क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। चोल, तुगलक या मुगल, इन जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्तुति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, जिसे गौड़ के नाम से भी जाना जाता था, वहां से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, जो कि तब गज्जन के नाम से जाना जाता था, वहां तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्राविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर देते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थी। जैसे हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भारत के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब बात करते हैं कुछ पुराने और नए धर्मों की। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में
पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का आदर बहुत बड़ा। ब्राह्मण इन ग्रंथों के संरक्षक थे। इन संरक्षकों का समाज में दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई, जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए आया। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, लेकिन एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा वो थे जो इनके न्यायशास्त्री थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाएगा। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्य राज्यों में उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। हमारे वर्तमान के सवालों के जवाब हमारे अतीत में छुपे होते हैं। आशा करती हूँ आज के इस अध्याय में आपको अतीत के कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
अब जब सवाल और जवाब की बात हो ही रही है तो चलिए जानते हैं आज के अध्याय में आपने क्या सीखा, तो बताइए। प्राचीन काल में हम विदेशी किसे कहते थे? कोई भी अनजान व्यक्ति जो संस्कृति और समाज का अंग ना होता था उसे विदेशी कहा जाता था। अच्छा बताइए, अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कौन से तीन युगों में बांटा था? बिल्कुल सही, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब मैं कुछ वाक्य पढ़ूंगी, आपने मुझे बताना है क्या ये सही है या गलत। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। ये भी बिल्कुल ठीक है। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वन निवासी अपनी जमीन से उखाड़ बहा दिए जाते थे। बिल्कुल सही। अब आखिरी, सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। गलत जवाब। अब हम कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, तो बताइए अभिलेखागारों में क्या रखे जाते थे? अभिलेखागारों में पांडुलिपियां और दस्तावेज रखे जाते थे। खाली स्थान, 14वीं सदी का एक इतिहासकार था जियाउद्दीन बरनी, 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। इस उपमहाद्वीप की मुख्य फसलें कौन सी थी? आलू, मक्का और मिर्च इस उपमहाद्वीप की मुख्य फसलें थी। इसी के साथ हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है। हम जल्द ही वापस आएंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए तथा पढ़ते रहिए। नमस्कार।